हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट के आज की क्लास में। सो घटनाचार्य क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 इज सर थॉमस मोरे द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग्ड टू। सर थॉमस मोरे जो यूटोपिया के राइटर हैं किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड। ठीक है, थोड़ा डिटेल है देख लीजिए। सर थॉमस मोरे 7 February 1478 लंदन इंग्लैंड, July 6 एंड 1535 लंदन। ठीक है, मतलब 1478 जन्म था और 1535 डेथ थी। इंग्लिश ह्यूमनिस्ट एंड स्टेटमेंट्स का चांसलर ऑफ इंग्लैंड, हु वॉज बी हेडेड फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट किंग हेनरी 8th एज हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थॉमस मोरे को बीहेडेड किया गया था किस लिए, क्योंकि उन्होंने किंग हेनरी 8th को चर्च ऑफ इंग्लैंड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ही वॉज वेनरेटेड एज सेंट थॉमस मोरे बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, कैथोलिक चर्च के द्वारा उन्हें सेंट थॉमस मोरे के रूप में वेनरेट किया गया। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जॉन मोरे। ही वॉज सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूटोपिया इज अ ग्रीक नेम ऑफ मोर्स क्वाइनिंग फेमस ओ टोपोज नो प्लेस। ठीक है, यूटोपिया का मतलब क्या होता है, ओ टोपोज, जिसका मतलब है नो प्लेस। ठीक है, अपन यू टोपोज गुड प्लेस इज सजेस्टेड इन अ प्रीफेटरी पोयम। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि पन यू टोपोज का मतलब क्या होता है, तो गुड प्लेस, ओ टोपोज का मतलब क्या होता है, नो प्लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, ये इनके कुछ और डिटेल दी हैं थॉमस मोरे की। देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री ऑफ किंग रिचार्ड थर्ड वॉज रिटन इन लैटिन एंड इन इंग्लिश दो अनफिनिश्ड। हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड इनका अनफिनिश्ड वर्क था थॉमस मोरे का। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूटोपिया इज पुट इन द मंथ ऑफ मिस्टीरियस ट्रैवलर राफेल हिथोलोडे। ठीक है, यूटोपिया का जो डिस्क्रिप्शन है वो मिस्टीरियस ट्रैवलर राफेल हिथोलोडे के द्वारा कहा गया। ठीक है, यूटोपिया वॉज पब्लिश्ड एट लिवोन इन डिसम्बर 1516। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इन हैमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर। मतलब हैमलेट का घोस्ट कितनी बार दिखाई दिया। सो आंसर इसमें देखिए स्टार है 2, 3, 4, 5, मतलब इतने टाइम नहीं दिखा है। इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्या है, इन हैमलेट द घोस्ट अपीयर्स 3 times इन द प्ले। द घोस्ट अपीयर्स टू मार्सेलस एंड बर्नार्डो इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट इट डज नॉट स्पीक। लेकिन अगर 3 ऑप्शन है तो वो तो दिया हुआ है ऑप्शन में। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। इट डज नॉट स्पीक, इट एग्जिट्स एंड री एंटर्स, देन इट एग्जिट्स अगेन, देन अगेन इट अपीयर्स इन एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ। द घोस्ट अपीयर्स टू हैमलेट इन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ इन द फेमस क्लोजेट इंटरव्यू विद जर्ट्यूड एंड पोलोनियस। मतलब जो जर्ट्यूड और पोलोनियस का डिस्कशन चल रहा था तब भी घोस्ट दिखाई दिया। जर्ट्यूड एंड पोलोनियस कैन नॉट सी द घोस्ट, ओनली हैमलेट कैन। सो द घोस्ट अपीयर्स इन 4 different scenes, इट ब्रिजेस 2 scenes, सो इट ओनली रियली मेक्स 3 separate appearances अनलेस यू काउंट द अपियरेंस बिफोर द प्ले। इफ दैट्स द केस देन इट अपीयर्स 5 times, द घोस्ट हैज़ 5 entries and 5 exits। ठीक है, यानी घोस्ट की जो एंट्री थी वो एक्चुअली क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है। अगर प्ले की स्टार्टिंग से जो उन्होंने बताया डिगर्स ने उसको भी इंक्लूड करते हैं तो 5 times है, अदरवाइज 4 है, और वरना 3 मीन्स टोटल कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 58, हॉली सोनेट्स इज अ वर्क बाई। हॉली सोनेट्स ये वर्क किसका है, तो ये जॉन डन का वर्क है। किसका है, जॉन डन का। ठीक है, डिटेल देखते हैं। हॉली सोनेट्स इज अ वर्क बाय द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। तो इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन डॉन। दीज आर ऑल्सो नोन एज द डिवाइन मेडिटेशन और डिवाइन सोनेट्स बिकॉज इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ 19 डिवोशनल पोएम्स। ठीक है, ये सब क्या है, डिवाइन मेडिटेशंस या डिवाइन सोनेट्स कहलाई जाती हैं क्योंकि 19 डिवोशनल पोएम्स हैं होली सोनेट्स में।
जिसको जॉन डन ने लिखा है, ठीक है। दीज सोनेट्स वर पब्लिश्ड पोस्थीमसली इन 1631 में जॉन डन की डेथ हुई और ये होली सोनेट्स पब्लिश कब हुए, 1633। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स अमंग दीज मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर हाईली पर्सोनल सच एज होली सोनेट 17 एंड एलिजी ऑन डॉन्स वाइफ हु डाइड इन 1617, ठीक है। मतलब जॉन डन की वाइफ जो थी वो 1617 में उनकी डेथ हो गई थी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का कौन सा एक प्ले नहीं है, द अल्केमिस्ट है, वॉलपोन है, सिंथेसियास रिवेल्स भी है, द डचेस ऑफ माल्फी नहीं है। द डचेस ऑफ माल्फी इज अ जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर इन 1612 and 13। ओके, द डचेस ऑफ माल्फी इज अ जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर इन 1612 and 13। बेन जॉनसन वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, एक्टर एंड लिटरेरी क्रिटिक हुज आर्टिस्ट्री एक्सर्टेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट अपॉन इंग्लिश पोएट्री एंड स्टेज कॉमेडी। वॉलपोन इज अ कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन। वॉलपोन क्या है, कॉमेडी है बेन जॉनसन की। देखिए TGT वाले इस डाउट में ना रहें कि इस टाइप के क्वेश्चन उनके सिलेबस से नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसमें ये सब कुछ इंक्लूड है। प्रोड्यूस्ड इन 1606, हाँ इतना डीप TGT में नहीं आएगा कि 1606 पूछ लें, ये पूछ सकते हैं वॉलपोन किसका वर्क है, बेन जॉनसन का है। जॉनरे क्या है, कॉमेडी है। ड्राइंग ऑन एलिमेंट्स ऑफ सिटी कॉमेडी एंड बीस्ट फेबल सिंथियाज रिवेल्स इज अ लेट एलिजाबेथन स्टेज प्ले। सिंथियाज रिवेल्स क्या है, लेट एलिजाबेथन स्टेज प्ले है। सटायर है रिटन बाई बेन जॉनसन, ये सटायर है, ठीक है। और द एल्केमिस्ट इज अ कॉमेडी बाई बेन जॉनसन। सबका जॉनरे आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो द अल्केमिस्ट है ये बेन जॉनसन ने लिखा, जो कॉमेडी है, और ये एक नॉवेल भी है जिसको पॉल कोएलो ने लिखा है, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। किस प्ले में एपिलॉग है, द टेम्पेस्ट, हैमलेट, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, ट्वेल्थ नाइट। आंसर गिवन है द टेम्पेस्ट है। बस डिटेल देख लीजिए, द टेम्पेस्ट हैज एन एपिलॉग, इट इज़ द अपोजिट ऑफ अ प्रोलॉग। ये प्रोलॉग के अपोजिट होता है। अ पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क। एन एपिलॉग इज अ पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी अकरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स एंड रिकॉलिंग द फेट्स ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। तो प्रोलॉग क्या होता है, जो बिगनिंग में बोला जाता है, और एपिलॉग क्या होता है, जो लास्ट में बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, अ शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड्स विद अ, शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड्स विद अ कपलेट, ठीक है, क्योंकि कपलेट रहता है लास्ट में, राइमिंग स्कीम सेम रहती है। द सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड अलॉन्ग विद अदर इटालियन वर्सेस फॉर्म्स बाय थॉमस वाइट एंड हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे इन द 16th century। द एलिजाबेथन ग्रेजुअली अराइव्ड एट द डिस्टिंक्टिव इंग्लिश सोनेट विच इज़ कम्पोज ऑफ 3 क्वेट्रेंस ईच हैविंग एन इंडिपेंडेंट राइमिंग स्कीम एंडिंग विद अ राइम्ड कपलेट। द इंग्लिश सोनेट इज मेजर फॉर्म ऑफ सोनेट्स, ठीक है। सोनेट को इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में किसने किया, थॉमस वाइट, हेनरी होवार्ड, अर्ल ऑफ जो सरे थे, है ना, हेनरी होवार्ड, 16th century में थे। इसमें क्या है कि 3 क्वाट्रेंस हैं और एक लास्ट में कपलेट है। क्या है इसके मेन पॉइंट्स, दे आर 14 लाइंस लॉन्ग, 14 लाइन की होती है। दे आर रिटन इन याम्बिक पेंटामीटर, याम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। द फर्स्ट 12 लाइन्स राइम्ड इन अल्टरनेटिंग पेयर्स फॉर द होल पोएम। द राइमिंग स्कीम वुड बी ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ, ठीक है। ऑल्टरनेट लाइन्स राइमिंग करती हैं, ए बी फिर रिपीट हुआ ए बी, अगले क्वार्टर में पहुँची है सी डी सी डी, अगले क्वार्टर में पहुँची है ई एफ ई एफ, और लास्ट का जी जी यानी कि कपलेट हुआ।
द लास्ट टू लेटर्स एट द एंड इज जी जी. दिस इज द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट द फॉर्म ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स, ठीक है, जिसको हम राइमिंग कॉपलेट भी कहते हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 62. लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर्स. लाइफ वॉकिंग शेडो पुअर प्लेयर, ये किसने कहा शेक्सपियर में? मैकबेथ का है ये. आप देखिए इसको, अकर्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ. दिस लाइन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ. दिस इज द स्पीच ऑफ मैकबेथ. ये मैकबेथ का स्पीच है. कब बोलता है वो? जब मैकबेथ को ये पता चलता है कि लेडी मैकबेथ ने खुद को मार लिया है, तब मैकबेथ ये स्टेटमेंट बोलता है. ठीक है, मैकबेथ पिंस ओवर हिज मिजरेबल फेट कॉलिंग लाइफ अ वॉकिंग शेडो. मैकबेथ कंपेयर्स हिज एग्जिस्टेंस टू द कंडीशन ऑफ बीइंग मेरली अ घोस्ट. इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ पता है मैकबेथ में. क्वेश्चन नंबर 63. द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज लव. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना. क्वेश्चन नंबर 64. द टोटल नंबर्स ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर इज 154. पता है आपको, 1 से 120 इज सोनेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस नंबर्स वेज न्यूमरस वेज. सोनेट्स 1 से 126 इन विच पोएट स्ट्रिक्स अप अ रिलेशनशिप विद अ यंग मैन. ठीक है, 127 से 152. यहाँ 154 लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा बोलती हूँ कि गलत है. 152 तक उन्होंने डार्क लेडी को मतलब डेडिकेट किया है. लास्ट के जो दो सोनेट हैं 153 और 154 वो लव क्यूपिड को डेडिकेट है. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 इज मिसिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 65 आप वर्बल ही सुन लीजिए फिर. 65 इसमें नहीं दिया हुआ है, क्या है 65 है. विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबल प्राइज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसमें से मिस है तो. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऑप्शन में है, जॉन गॉल्सवर्दी हैं, विलियम बटलर ईट्स है, जेम्स जॉयस हैं. तो देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी मिला आयरलैंड रिसीव्ड एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ड्रामा. जॉन गॉल्सवर्दी को भी मिला यूनाइटेड किंगडम में फील्ड ऑफ फिक्शन में. विलियम बटलर ईट्स को भी मिला फील्ड ऑफ पोएट्री में, लेकिन जेम्स जॉयस को कोई भी नोबल प्राइज़ नहीं मिला. ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबल प्राइज़ मिला 1925 में, जॉन गॉल्सवर्दी को मिला 1932 में, विलियम बटलर ईट्स को मिला 1923 में. ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 66. इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द. ठीक है, फिक्शन में ऑथर का जो ओवरऑल आइडिया होता है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है उसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड थीम. ठीक है, इट्स कॉल्ड थीम. अ थीम मे बी इम्प्लाइड और स्टेटेड. क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? और व्हाट यू विल. ये शेक्सपियर का ओनली प्ले है जिसमें दूसरा टाइटल भी है. बाकी वर्ड्सवर्थ के प्लेज, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में तो बहुत सारे टाइटल्स दूसरे भी दिए गए हैं ना. व्हाट यू विल, ये किसके द्वारा यूज़ किया गया? ओलिविया. वॉज एन एलिजाबेथन कॉलिक्वेलिज्म इक्विवेलेंट टू द कंटेम्प्रेरी वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, इनडीड व्हाट यू विल कम्बाइंस इकोज ऑफ ट्वेल्थ नाइट. व्हाट यू विल इकोज है ट्वेल्थ ऑफ नाइट में. ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 68. द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो अकर्स इन. ये जो लाइन है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, किस में है? हैमलेट में है. ये हैमलेट का स्पीच है, होरेशियो से कहता है वो, एक्ट फिफ्थ सीन सेकेंड में. वेन होरेशियो वॉन्स हैमलेट दैट ही विल लॉस द ड्यूअल विद लर्टीज. जब होरेशियो हैमलेट को वॉर्न करता है कि तुम लर्टीज से ड्यूअल में हार जाओगे, ही रिवील्स दैट ही इज डिसाइडेड टू गिव इन टू गॉड्स प्रोविडेंस दैट इज फेट. वो बताता है कि ये जब सब फेट है गॉड का. ठीक है,
द रेफरेंस टू द फॉल ऑफ द स्पैरो इज फ्रॉम मैथ्यू मैथ्यू रोनाल्ड का वर्क है फॉल ऑफ द स्पैरो, वहाँ से लिया गया। हैमलेट आर्ग्यूज विद होरेशियो दैट गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग इवन समथिंग एज ट्रिवियल एज अ स्पैरोज डेथ। ट्रिवियल मतलब होता है जो तुच्छ होता है, ठीक है, कि स्पैरो की डेथ को भी गॉड ही कंट्रोल करता है। सो हम मेरी अगर डेथ लिखी होगी उस टाइम पे, तो मैं चाहे वो वॉर करूँ चाहे ना करूँ, मेरी डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69, द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन विजिलेंस। दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, ठीक है। द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन विजिलेंस, ये प्रोस्पेरियो का स्पीच है, एक्ट फिफ्थ में सीन फर्स्ट। बाय दिस स्टेटमेंट सबटल रिवेलेशन आफ्टर ईयर्स ऑफ लिविंग इन एग्जाइल एंड प्लॉटिंग हिज रिटर्न टू इटली। द टेम्पेस्ट एम्फसाइज ऑन मर्सी एंड फॉरगिवनेस, जो टेम्पेस्ट है वो एम्फसाइज करता है मर्सी और फॉरगिवनेस पे, ठीक है। हॉलमार्क ऑफ शेक्सपियर्स रोमांसेस, दैट इज फोर प्लेस, द टेम्पेस्ट, पेरिक्लिस, द विंटर्स टेल एंड सिम्बेलियन, ये इनके लास्ट के प्ले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत पूछा गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 70, 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। 14 ब्रास किस में है? हैमलेट में है, एक यंग मैन रहता है। सेवरल कैरेक्टर्स विल रिफ्लेक्ट हैमलेट बट 14 ब्रास इज द फर्स्ट टू बी नेम्ड इन द प्ले इन होम वी सी अ लाइकनेस टू द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। शेक्सपियर हैड क्रिएटेड फोर ग्रेट ट्रेजडीज, namely Hamlet, Macbeth, Othello and King Lear. So, question number 71, which of the following is not a character in As You Like It? कौन सा character जो As You Like It में नहीं है? Rosalind, Celia, दोनों character रहते हैं। Orlando, Portia, भाई Orlando भी है लेकिन Portia नहीं है, Portia दो plays में है, Julius Caesar में है और एक किस में है? The Merchant of Venice में। Question number 72, William Shakespeare belonged to Elizabethan age, ये सबको पता है, ठीक है। So it is often सारा कुछ इसके बारे में पता, nothing is new to inform you. Age cannot wither her nor custom stale her infinite variety. ये Antonio and Cleopatra में से लिया गया है और ये statement Cleopatra के लिए बोला जाता है ना, ये क्लियोपेट्रा के लिए बोला जाता है। मैकबेथ अनफोल्ड्स इन स्कॉटलैंड एंड हैमलेट इन डेनमार्क्स एलेसनोर कैसल। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा टेक द ऑडियंस फ्रॉम वन एंड ऑफ मेडिटेरियन सी टू द अदर इन द कोर्स ऑफ सीन चेंज, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन, मतलब लाचारी ही तुम्हारा नाम है औरत, ये हैमलेट में है। हैमलेट कहता है जर्ट्रूड से, जब वो इसके पिता की डेथ के बाद इतना भी नहीं रुकती है और वो तुरंत उसके अंकल से शादी कर लेती है, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 74, द क्वोट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल एंड, ये तो कल क्लास 12th में पोएम भी आप लोगों ने पढ़ी होगी आई थिंक ना। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, जिसको पोर्शिया कहती है, किसके लिए? शाइलॉक से कहती है कि वो एंटोनियो की लाइफ को छोड़ दे, ठीक है, तब वो ये बात बोलती है। क्वेश्चन नंबर 75, द कोट, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंस्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ये किसमें है? अमिट समर नाइट्स ड्रीम में। लव लुक्स नॉट विद द आईज, लव आईज से नहीं दिखता बट विद द माइंड, लेकिन हाँ दिमाग में दिखता है, दिमाग से होता है। देयर इज विंस्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, ये किसमें है? ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द अबव लाइंस दैट लव कैन मेक वर्थलेस थिंग्स ब्यूटीफुल, मतलब लव वर्थलेस थिंग्स को भी क्या करा सकता है? ब्यूटीफुल बना सकता है। When we are in love, we don't see with our eyes. जब हम प्यार में होते हैं तो हमको अपनी आँखों से कुछ नहीं दिखता but with our minds. That is why painting of Cupid, the god of love, always show him as blind. इसी वजह से जो क्यूपिड की पेंटिंग है, जो गॉड ऑफ लव है, वो हमेशा मतलब शो होते हैं अंधे की तरीके। In this soliloquy, Helena
पॉन्डर्स द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ लव, ये सॉली लिखी हैं और किसने बोला है, हेलेना ने बोला है, ठीक है। द लव सिक हेलेना वॉज अबंडन्ड बाई हर बिलव्ड डेमेट्रियस बिकॉज ही लव्स द मोर अट्रैक्टिव हर्मिया। हेलेना क्यों बोलती है कि जो उसका बिलव्ड है डेमेट्रियस, वो क्या करता है, वो हर्मिया को लाइक करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 76, हु इज नोन एज द मेलंकोली मैन इन एज यू लाइक इट जैकस, ठीक है। मेलंकोली मैन एज यू लाइक इट में कौन है, जैकस है, जिसने लास्ट में बोला था ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 77, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, किसने कहा कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में सिर्फ हीरोइंस है हीरोज नहीं है। जॉन रस्किन ने ये क्रिटिसाइज किया ऐसा करके शेक्सपियर को, ठीक है। 78, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्ले, चूज द राइट वन, द अरेबियन नाइट्स, नाउ हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स। शेक्सपियर इंडेप्टेड है मतलब उन्होंने उधार लिया है वो किसी चीज़ से, किससे, हॉलिनशेड क्रॉनिकल से, बहुत सारा मैटर उन्होंने डेप्ट किया है अपनी प्लेस के लिए, ठीक है। सम अदर फ्रेश शेक्सपियर यूज द रिवाइज सेकेंड एडिशन ऑफ द क्रॉनिकल्स एज द सोर्स फॉर मोस्ट हिज हिस्ट्री प्लेसेस, प्लॉट ऑफ मैकबेथ एंड पोर्शन ऑफ किंग लियर एंड सिम्बेलिन इज इसके एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन नंबर 79, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मॉलवोलियो, ट्वेल्थ नाइट में है मॉलवोलियो और इसकी बहुत हंसी मजाक उड़ाया जाता है ना। ओवरऑल थ्रू मॉलवोलियो शेक्सपियर इंटेंड्स टू शो दैट इंडिविजुअल नीड्स हैव अ बैलेंस्ड सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ट्वेल्थ नाइट इज अ कॉमेडी प्ले राइट रन बाय अराउंड 1601 टू 1602, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 79 कम्प्लीट हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 80, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएट्रिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वॉज अ ड्रामेटिस्ट ऑल्सो, शेक्सपियर। 1592 और 93 में लिखा गया है, 6 लाइन्स स्टेंजा में है, 1199 लाइन्स हैं इसमें, है ना, ठीक है। सो आज यहीं एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 तक। 100 करा लूँ क्या, 100 नहीं कराते, इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड नियर अबाउट 120 क्वेश्चन। ओके, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन